नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बैसाख महीने की बड़ी चौथ की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक माँ और बेटी रहा करती थी। माँ चौथ माता का व्रत करती और जो देखने के लिए पुए पुड़ी और हलवा ये सब बनाती। माँ बेटी आराम से रहते थे। एक दिन ताई और चाची ने बच्चे से पूछा, माँ क्या कर रही है? तो बच्चे ने कहा, माँ जो देख रही है, आज चौथ का व्रत है। तो ताई ने कहा, बेटा वह चौथ का व्रत तेरे लिए नहीं करती, वह तो खाने के लिए ये व्रत करती है। लड़का घर आकर माँ से बोला, माँ आप तो घटक चौथ करती हो, मेरे लिए नहीं करती। माँ ने कहा, नहीं बेटा, चौथ तो मैं तेरे लिए ही करती हूँ। लड़का नहीं माना और घर छोड़कर जाने लगा। तो माँ ने कहा, बेटा ये गेहूं के दाने ले जाओ, जहाँ तुम्हें मुसीबत आए वहीं पर बिखेर कर बैठ जाना और भूलना, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ का व्रत किया है तो मेरी रक्षा करना। लड़का गेहूं के दाने लेकर चल दिया। चलते चलते शाम हो गई। एक बूढ़ी अम्मा पुए पुड़ी बनाती जाए और रोती जाए। तो लड़की ने पूछा, अम्मा क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, लेकिन लड़का पीछे पड़ गया। कुछ तो बात है अम्मा, बताओ मुझे। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, यहाँ के राजा की मिट्टी का हाव पकता है, तब हर 6 महीने में एक बलि दी जाती है। तो आज मेरे बेटे का नंबर है, तो इसलिए रो रही हूँ। तो लड़का बोला, अम्मा पेट भरकर पुए पुड़ी खिला देती तो मैं आपकी बेटी की जगह चला जाऊंगा। वह बोली, खा ले बेटा। लड़का खाना खाकर सोने चला गया और अम्मा से कहा, कोई आए तो मुझे जगा देना। राजा का बुलावा आ गया। अम्मा शोर करती इधर उधर चलने लगी। लड़के ने आवाज सुनी तो बोला, अम्मा बुलावा आ गया क्या? अम्मा बोली, हाँ बेटा। वह बोला, अम्मा एक छोटी मटकी पानी की दे दो, और उनके साथ चला गया और हाव की जगह बैठकर अपनी चारों तरफ आंखें बिखेर लिए और पानी सींच लिया और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो मेरी रक्षा करना। राजा के नौकर ने हाव की मटकी चुन दिए। दूसरे दिन राजा का लड़का शिकार करने गया तो घोड़े के पैरों से कंकड़ी उछलकर हाव पर लगी तो पकने की आवाज आई। ये क्या, हाव पक गया? ये तो 6 महीने में पकता था। वापस जाकर राजा को ये बात बताई तो नौकरों को लेकर राजा वहाँ आया और मटकी उतारने लगा तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारना भाई। सब डर गए। तब राजा बोला, तुम कौन हो, भूत हो या प्रेत हो? लड़का बोला, मैं वही लड़का हूँ जिसको इसमें बैठाया था। धीरे धीरे सभी मटके हटाए, तभी सारे मटके कांसी पीतल के हो गए और लड़का बैठा हुआ था और चारों तरफ जुआरे उगे हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो लड़का बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है, मैंने मेरी चाची और ताई के बहकावे में आकर घर छोड़ दिया। घर छोड़ते समय मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, उन्हीं आंखों की वजह से आज मेरी जान बची है। राजा ने कहा, क्या चौथ माता ऐसी है? वह बोला, हाँ चौथ माता ऐसी है। राजा ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि चौथ का व्रत सभी करें, 12 नहीं तो 8 करें और 8 नहीं तो 4 बड़ी चौथ करें। राजा ने अपनी लड़की की शादी लड़के से करवा दी। लड़का बहू लेकर घर आ गया और माँ से माफी मांगी, हे चौथ माता, जैसे आपने उस बेटे की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करना। आपका व्रत करने वाले, कहानी सुनने वाले, हुकार भरने वाले, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो। दोस्तों,
आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।